रूस यूक्रेन के बारूदी विनाश की जद में धीरे धीरे पूरी दुनिया आ रही है, लेकिन अब एक और ऐसा मोर्चा खुलने जा रहा है जो पूर्वी हिस्से से महाविनाश की शुरुआत का कारण बन सकता है, और यह मोर्चा खुलेगा नॉर्थ कोरिया से। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ना तो किम जोंग जंग छेड़ने जा रहे हैं, ना ही किसी मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं, बल्कि इन सबसे अलग वो एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो फिर कैसे खुलेगा यह बारूदी मोर्चा, देखिए इस रिपोर्ट में। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मिसाइल बनाना, टेस्ट करना, पड़ोसियों को खौफ के साए में रखना और अमेरिका को चुनौती देना, इनके शगल में शुमार है। लेकिन हर मोर्चे पर खुद को कामयाब समझने वाले इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के शौक अब और भी बड़े हो चुके हैं। न सैन्य ताकत का प्रदर्शन, न इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की धौंस दिखाना, न ही न्यूक्लियर हथियार से दुनिया में डर का बवंडर खड़ा करना, बल्कि अब किम जोंग ने अंतरिक्ष तक उड़ान भरने का शौक पाला है और ये किम जोंग के सबसे महंगे और नए शौक को पूरा करने का केंद्र है। ये उत्तर कोरिया की सैटेलाइट लॉन्च साइट है, जहां से किम जोंग जल्द ही एक ऐसे सैटेलाइट की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं जिसकी नजर पूरी दुनिया पर होगी। यानी किम जोंग को अब अमेरिका और उसके सहयोगियों की जासूसी के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल नॉर्थ कोरिया एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है और प्योंगयांग 31 मई से जून की शुरुआत में इस सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। हालांकि प्योंगयांग ने सैटेलाइट लॉन्च की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन दावा है कि किम जोंग उन 31 मई से 11 जून के बीच इस सैटेलाइट को किसी भी दिन लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि ये पहला मौका है जब नॉर्थ कोरिया ने सैटेलाइट लॉन्च से पहले आईएमओ को सूचित किया है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्च कार्यक्रम में ऐसा नहीं करता था, इसलिए सवाल किम जोंग के इरादों पर उठ रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सैटेलाइट की कक्षा में स्थापना के बाद दुनिया में एक बार फिर किम जोंग नाम दहशत का पर्याय बन जाएगा। जापान साउथ कोरिया पर जो हर वक्त खौफ मंडराएगा, इसलिए दूसरे मोर्चे पर भी तैयारी शुरू हो चुकी है और तैयारी के तहत इस बार जापान ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपने बारूदी इरादे साफ कर दिए हैं। कैसे, इसे भी समझ लीजिए। नॉर्थ कोरिया का सैटेलाइट पूर्वी समुद्री तट से लॉन्च हो सकता है और इस सैटेलाइट लॉन्च को लेकर जापान ने वार्निंग जारी कर दी है। वार्निंग के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का रॉकेट जापान के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। अगर रॉकेट जापान के किसी भी जोन में आता है तो उसे गिरा दिया जाएगा। और यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि जापान ने इस एक्शन के लिए बकायदा अपनी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके उन्हें एक्टिव मोड पर रखा है। यानी नॉर्थ कोरिया का कोई एयर ऑब्जेक्ट जापान की सीमा को लांघता है तो एयर डिफेंस सिस्टम उसे गिरा देंगे। अब सवाल जापान के इस एक्शन के पीछे दिए गए तर्क पर है, और तर्क ये दिया गया है कि नॉर्थ कोरिया सैटेलाइट लॉन्च की आड़ में बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है, इसलिए जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।